हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF Phone 1 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के वाईफाई को जो है ना कनेक्ट कैसे कर सकते हैं QR कोड के जरिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे आप स्लाइड करेंगे तो ये वाईफाई का जो आइकन होता है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। वाईफाई के आइकन को उंगली से दबा के रखेंगे तो ये पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा ये जो वाईफाई है पहले से मेरे फोन में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो कि जब आप अपने मोबाइल फोन का जो वाईफाई है वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करेंगे ना, यानी QR कोड के जरिए, तो आपको करना ये है कि यहाँ पर जो है ना नीचे आना है। देखिए मान लीजिए ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा ऐड नेटवर्क के सामने ये जो स्कैनर होता है ये वाला स्कैनर का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये जो वाईफाई का जो स्कैनर है ना ये ऑन हो जाएगा। ये वाईफाई का स्कैनर है, ठीक है, ये आपके मोबाइल फोन का वाईफाई का स्कैनर है। अब आपको करना ये है कि सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का जो QR कोड होगा ना उसे ओपन कर लेना है और उस QR कोड को इस वाले स्कैनर से स्कैन करना है। तो क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन में ना वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा स्कैन करते ही, ठीक है, कोई भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का QR कोड होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा उसके फ़ोन में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आपके फ़ोन के जरिए। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना ये जो होता है सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई कनेक्टेड होगा ना उसके सामने जो ये सेटिंग का आइकन होता है सेटिंग के इस आइकन पर टैप करना है तो ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए आपको जो ना शेयर का ये ऑप्शन है, शेयर पर सेलेक्ट करेंगे ना तो ये आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। इसके बाद इसे राइट क्लिक करना है तो आपका जो है ना ये देखिए ये QR कोड आ जाएगा वाईफाई का सामने वाले पर्सन का। इसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपके वाईफाई का QR कोड इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो ना मोबाइल फ़ोन के वाईफाई को जो है QR कोड के जरिए स्कैन करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है।